ठाकुर जी के पुत्र बंजाधरी कर्मी मंडली दादाओं माँ छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा रामनित जय गुरु प्रणाम। आज के लिए हम बड़ौदा में उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं। देखिए इस महोत्सव में पूरे गुजरात से इष्टप्रण दादाओं माँ बहुत दूर दूर से कष्ट करके यहाँ पे आए हुए हैं। गांधीधाम से लेके संजन बापी तक, जामनगर से लेके अहमदाबाद अंकलेश्वर, कितने जगह से कितने इष्ट प्राण गुरु भाई माँ यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हम लोग उत्सव करते हैं उत्सव के लिए, उस उत्सव की ओर छूटने के लिए तक पहुंचाने के लिए हमारा जीवन का परिचालन करते हैं हमारे श्री आचार्य देव। उनके इच्छा, उनके आशीर्वाद के बिना हम चल नहीं सकते। डेढ़ महीना पहले हम लोग बड़ौदा के कुछ गुरु भाई जाके वहां पे इस उत्सव का आशीर्वाद लिए हैं और उनका ये आशीर्वाद ये यहाँ पे प्रतिफलित हो रही है आनंद माहौल से। हम ठाकुर जी का एक वाणी है, हम इसे मोर जो आदमी ठाकुर के चरण में बैठते तो प्रतिकूल में अनुकूल परिस्थिति आ सकता है जीवन में। आप किसी भी परिवार से रहे, कितना भी पैसा वाला रहे या गरीब रहे, वो देखने का ही नहीं है। ठाकुर जी सब कुछ लाइफ में चेंज कर सकते हैं अगर उसको शरण में हम लोग आए, बस यही मेरा अनुभूति है। आपको सबको जय गुरु मेरा दादा, जय गुरु। जगत जननी श्री श्री गौर माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाठ श्री श्री गौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ ऋषिगंज सभी भाइयों और माताओं के चरणों, बच्चों के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है, मैं कोशिश करूंगी कुछ अपनी अनुभूति बताऊँ। आज ठाकुर जी का 136वां जन्म महोत्सव हम लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। आप सब लोग को देख के बहुत दिल खुशी से भर गया है। उत्सव क्या होता है? उत्सव माने उस की ओर जाना। और हमारे इष्ट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है, वो अपने को परम प्रेममय कहलाते हैं, तो उनसे हमको सीखना है कि प्रेम कैसे करें और विश्वास कैसे करें। तो इसी बल पर मैं अपनी अनुभूतियाँ बताती हूँ। मैं ठाकुर जी की दीक्षा 52 इयर्स बैक